सत्संग में वो ही पहुंच पाते हैं जिनके जीवन में पुण्य हो, भगवत कृपा हो, ईश्वर कृपा हो। ऐसी ना समझ लोग सोचे बिना, समझे बिना, जाने बिना अनुमान लगा लेते हैं। बापूजी ऐसे हैं, बापूजी वैसे। अरे तुमने सत्संग का स्वाद चखा करके गुरुद्वार पे आए हो, बापूजी के आश्रम में आकर के देखा तुमने क्या होता क्या नहीं होता। ज्ञान देने वाले उन महापुरुष, जब जब इस धरती पर जो महापुरुष आते हैं उनको बहुत सताया जाता है। नामदेव को कम नहीं सताया, ज्ञानेश्वर महाराज को कम नहीं सताया, तुकाराम जी को कम नहीं सताया। बापूजी का जो ज्ञान है, बापूजी का जो सत्संग है, वो हर वर्ग के, हर आयु के लिए, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब, सब के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है। और बापूजी ने वो ज्ञान, चाहे छोटे से छोटा बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मुक्ति तक का ज्ञान बापूजी ने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। सत्संग में वो ही पहुंच पाते हैं जिनके जीवन में पुण्य हो, भगवत कृपा हो, ईश्वर कृपा हो। और ईश्वर कृपा से उनका विवेक जगा हो, नहीं तो टीवी में देख लिया, अरे बापूजी के लिए टीवी वाले ऐसा बोल रहे थे, बापूजी के लिए वैसा बोल रहे थे, और टीवी को देख करके, टीवी की बात मान करके घर में ही बैठे रहते हैं। क्या टीवी में जो बोला जाता है वो सच होता है? एक टीवी वाले एंकर ने अपनी पत्नी को बोला, खबरें होती नहीं है, खबरें तो बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? बोले मैं उदाहरण देता हूं, मसालेदार खबरें, हाइलाइटिंग ऐसे ऐसे चलाएंगे। तो उसने कहा कि तू अपने सहेली को जो मैं बोलता हूं वो कहना, और फिर देखो धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर में, और दूसरे घर से तीसरे घर में, और तीसरे घर से दूसरे मोहल्ले में, और दूसरे मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले में, और तीसरे मोहल्ले से पूरे गांव में, अरे पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में कैसी खबर बन जाएगी। क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, मीडिया का युग है, घर घर में टीवी है, तो कोई भी टीवी के माध्यम से आपके घर तक पहुंच सकता है। एडवर्टाइजमेंट के बहाने किसी की छवि को धूमिल करना हो, किसी को अर्श पे चढ़ाना हो, किसी को फर्श पे गिराना हो, तो ये मीडिया वाले अच्छे से जानते हैं। एक व्यापार बन चुका है, एक धंधा बन चुका है मीडिया का। लेकिन मीडिया की बातों में, मीडिया के बहकावे में वही आते हैं जो कान के कच्चे, अकल के कच्चे, और आंख के, क्या बोलूं मैं, जिनके पास आंख नहीं होती, कान नहीं होते। अब सोचो इस भीड़ में जो अब सत्संग मंडप में इतने सारे लोग बैठे हैं, आप कोई किसी को कहे कि हो तुम्हारा कौआ कान लेके भाग गया, और उठ के कौए के पीछे भागने लगो, तो समझदार कहलाओगे? बोलो। ऐसे ही मीडिया कुछ भी बोल दे और मीडिया की बात में आ जाए, सोचे बिना, सच को जाने बिना कुछ भी बोले वो मानो, नहीं होता। कुछ भी सोचा, सोचे बिना, समझे बिना विश्वास कर लेते हैं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, नहीं तो वो तो उसी तरह, उसकी अकल की तरह कच्चे होते। एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपनी कंपनी में काम देने के लिए एक बहुत बड़े
व्यक्ति को बुलाया। व्यक्ति को बुलाया तो सूप होता ना, सूप, टमाटो सूप, तो सूप दिया गया उसको। तो सूप में वो फिर डालते नमक का भी, वो होता ना साल्ट, तो उसने नमक का वो साल्ट उसमें डाला और पी लिया। कंपनी का मालिक उसको देख रहा था, मैनेजर ने सोचा कि साहब ने इंटरव्यू लिया है, नौकरी तो पक्की, और जो आया था व्यक्ति वो भी सोच रहा था नौकरी पक्की, लेकिन मालिक ने रिजेक्ट कर दिया। मैनेजर ने पूछा क्यों, बोले जिस व्यक्ति ने पहले सूप चखा ही नहीं और पहले ही नमक डाल लिया, उसको कैसे पता कि उसमें नमक था या नहीं, नमक था या नहीं, उसको पहले कैसे पता चला। मैनेजर बोला साहब ये तो बहुत छोटी सी गलती, इससे क्या होता है। बोले आप, वो तो रिजेक्ट हो ही गया, तेरे को भी यहाँ कंपनी से बाहर निकाल देंगे, ये छोटी सी गलती नहीं है, ये समझ। ऐसी ना समझ लोग सोचे बिना, समझे बिना, जाने बिना अनुमान लगा लेते हैं, बापूजी ऐसे हैं, बापूजी वैसे। अरे तुमने सत्संग का स्वाद चखा करके गुरुद्वार पे आए हो, बापूजी के आश्रम में आकर के देखा तुमने क्या होता क्या नहीं होता। आज एक ट्रेन में गोंदिया से जब हम यहाँ आ रहे थे तो भंडारा रोड स्टेशन है ना, वहां से पीरीधर आना हुआ था, उसमें कोई साधक बहन जो गोंदिया के हैं उनके रिश्तेदार थे, वो साधक नहीं थे लेकिन वो उनको छोड़ने आए थे, उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने, ट्रेन चल पड़ी थी, समय नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि रामा भाई हैं हमारे गुरुजी के आश्रम से आए हैं और आप बात करना, तो बात करें। उनको मैंने फिर दिखाया कि अभी ऐसे ऐसे इतनी जगह पर सत्संग है और कल जहाँ सत्संग था वहाँ हजारों की भीड़ थी, तो मैंने बताया, मेरा तो मौन था तो लिख लिख के बता रहा था। फिर मैंने उन्हें कुछ वीडियो दिखाए, कुछ फोटो दिखाए, तो उन्होंने कहा इतनी भीड़ है अभी भी, इतनी भीड़ आती है। लोगों को लगता है कि बापूजी को झूठे केस में वहां पर षड्यंत्र करके राजनीतिक लोगों ने, ईसाइयों ने, धर्मांतरण करने वाले लोगों ने, और इस एरिया में और कल जिस एरिया में गए थे उधर तो बहुत धर्मांतरण का बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये महाराष्ट्र की भूमि है और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, सांबाजी, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम नामदेव, विठ्ठल पंत, समर्थ रामदास, और समर्थ रामदास की कृपा को पाकर शिवाजी महाराज ने मुगलों से कैसे टक्कर लिया अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। ये वीरों की भूमि, मराठों की भूमि, और आज चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उड़ीसा हो, बापूजी जब से गए तब से धर्मांतरण बड़ी तेजी से चल रहा है। तो मैंने वो कहने लगे कि बापूजी को किसने फंसाया, तो मैंने कहा बापूजी को सभी पार्टियों, सभी दलों के लोगों ने फंसाया, चाहे वो पार्टी हो, चाहे ये पार्टी हो, चाहे पार्टी ए हो कि बी हो, तो बोले पार्टी वाले क्यों फंसाएंगे, और ईसाई लोगों ने फंसाया, तो ईसाई लोगों ने क्यों फंसाया, क्योंकि बापूजी आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण रोकने का कार्य करते थे, जो बोले वाले लोग हैं उनको पैसे का प्रलोभन दे करके, शादी का, विवाह का, बच्चों का करके और धर्मांतरण कर देते हैं। जिस व्यक्ति को अपने धर्म का भान नहीं, वो व्यक्ति जिंदा नहीं मुर्दा है, और अपने धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, वो व्यक्ति का यह लोक भी, इस लोक में भी पतन होता है और परलोक में भी पतन हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रियम पर धर्म भयावह, अपना धर्म जिस धर्म में परमात्मा ने और हमको जिस धर्म में परमात्मा ने जन्म दिया है, ऐसा धर्म कोई दूसरा हो नहीं सकता। सर्वधर्म समान जो लोग नारा लगाते हैं, सर्वधर्म समान, सर्वधर्म समान कैसे हो सकता है। गंगा का जल और नाले का जल
और गटर का जल कोई फर्क नहीं है, सब जल समान कैसे हो सकता है? ऐसी सनातन धर्म जिस धर्म में भगवान राम आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और जिस धर्म जो आदि है, अनादि है, सनातन है, सत्य है, और उसका सूक्ष्म विज्ञान है, ऐसे सनातन धर्म और उसकी तुलना किसी अन्य धर्म से करना ना। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, परमात्मा ने तुम्हें जिस धर्म में जन्म दिया उस धर्म में मर जाना अच्छा है, और दूसरे के धर्म में जीना भी बेकार है। जिस व्यक्ति का अपना स्वाभिमान ना हो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, वो व्यक्ति मुर्दा है। तो पूज्य बापूजी पूरे देश भर की परिक्रमा करते करते करोड़ों करोड़ों लोग बापूजी के पीछे पीछे अपने जीवन को परिवर्तित किए। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र नहीं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर प्रांत में जा करके 450 आश्रम, मैंने उनको बोला 450 आश्रम आज भी खुले हैं बापूजी के। बोले बापूजी को कोई चमत्कार करना चाहिए, तो मैंने कहा भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष चमत्कार करते हैं, लेकिन उस चमत्कार को देखने के लिए आंख चाहिए। जो आंख के अंधे हैं उन्हें क्या दिखेगा? जिनके पास आंख नहीं है वो भगवान भी सामने खड़े हो तो भी उनको वो पहचान नहीं पाते, और जिनके पास आंख मिल गई तो वो तो कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हैं, जित देखूं तित श्याम मई, तू ही तू प्रभु तू ही तू। नामदेव को वो आंख मिली तो नामदेव, सुना ना, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने कुत्ते के अंदर भी परमात्मा का दर्शन कर लिया। ज्ञानेश्वर महाराज तीर्थ से जल भर के आ रहे थे, गधा प्यासा था, गधे को जल पिला दिया। लोगों ने कहा कहाँ, इतनी दूर से लोग गंगा जल लेके आते, अपने गधे को पिला दिया, ये गधा नहीं, उसमें भी जीवात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है, उसको पिला दिया, परमात्मा तृप्त हो गया और परमात्मा प्रसन्न भी होता। तो ऐसा ज्ञान देने वाले उन महापुरुष, जब जब इस धरती पर जो महापुरुष आते हैं उनको बहुत सताया जाता है। नामदेव को कम नहीं सताया, ज्ञानेश्वर महाराज को कम नहीं सताया, तुकाराम जी को कम नहीं सताया। दुष्ट लोग नामदेव के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करते थे, गधे पर बिठा करके पता नहीं क्या क्या हरकतें करते थे, लेकिन वो महापुरुष सब सुनते रहे, सहते रहे। ज्ञानेश्वर महाराज जब हयात थे तो ना भिक्षा देते थे उनको, जात पात और छुआछूत पंडित और मौलवी लोग, लेकिन आज ज्ञानेश्वरी गीता, भगवान ज्ञानेश्वर के मुख से निकली उस गीता का पूजन अर्चन वंदन होता है। तो जब जब इस धरती पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष और भगवान आते हैं उन महापुरुषों को लोग पहचान नहीं पाते। रही बात बापूजी का चमत्कार देखने की, तो वही 6 साल हो गए बापूजी को, और इन 6 सालों में मीडिया ने खूब भरकस प्रयास किया साधकों की श्रद्धा भक्ति तोड़ने के लिए, बापूजी के आश्रम बंद करने के लिए, बापूजी के सेवा कार्य और देवी कार्य बंद करने के लिए, लेकिन ना एक भी आश्रम बंद हुआ है और ना कोई साधक टूटा। आज भी पूरे देश भर में सेवा सत्कर्म का कार्य बापूजी की प्रेरणा से, बापूजी के आशीर्वाद से आज भी चल रहे हैं, और सब साधकों को विश्वास है कि चाहे कोर्ट ने कोई भी निर्णय सुनाया हो, और कोर्ट का निर्णय कोई सर्वमान्य नहीं होता, जिस कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, तो हाई कोर्ट अगर सेशन कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता तो हाई कोर्ट की आवश्यकता ही ना पड़ती। कई लोग हाई कोर्ट से डिसीजन आ जाता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो फैल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय मिलता है। तो साधकों को, सभी को दृढ़ श्रद्धा और विश्वास है, और सभी के दिल में एक ही आस है कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना इतना कुप्रचार के बाद भी आज भी पूरे देश में, पूरे विश्व में सब साधकों के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योत आज भी जगमगा रही है,
और गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। और आज भी लोग कहते हैं अच्छा आश्रम खुले हैं, मैंने उनको दिखाया तो बोली इतनी भीड़ आती अभी भी। मैंने कहा अभी भी क्या, तब भी आती थी अब भी आ रही है, और बापू जी आएंगे तो इससे भी अधिक भीड़ आएगी, क्योंकि बापू जी का जो ज्ञान है, बापू जी का जो सत्संग है, वो हर वर्ग के हर आयु के लिए, हर धर्म हर संप्रदाय हर मजहब सब के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है। और बापू जी ने वो ज्ञान चाहे छोटे से छोटा बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक मुक्ति तक का ज्ञान बापू जी ने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापू जी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है।